धोनी की गलतियों के बावजूद जो है टीम इंडिया इस मैच को लगता है टाई करने में कामयाब हो गई है। 315 का लक्ष्य था और अब यह देखना होगा कि 314 रन ही यहां पर भारत की टीम ने भी बनाया है और जो स्कोर था और जो मैच है इन्होंने बनाए थे 314 रन, सारे विकेट खोए थे। भारत ने बनाए हैं 314 रन और 9 विकेट खोए हैं, लेकिन मैच टाई हो गया। आखिरी गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी और 18 रन जो थे नहीं बन पाए, 1 राउंड कम। और तारीफ करनी होगी यहां पर रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने आखिरी ओवर में 17 रन बनाए, 1 विकेट बाकी था सिर्फ भारत के पास और आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। कॉरी एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे और भारत ने भी 314 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने भी 314 रन बनाए, तो यहां पर सीरीज में अभी भी न्यूजीलैंड की बढ़त 2-0 से बड़ी हुई है। लेकिन धोनी की गलतियों के बावजूद, खराब कप्तानी, खराब फैसलों के बावजूद टीम इंडिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आज लाजवाब प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को इस मैच में टाई करने में कामयाब बनाया। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ियों ने आज बल्लेबाजी की है जो बल्लेबाजी के लिए नहीं जाना जाते, खासकर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आज 46 गेंदों में 65 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्का लगाया। और रविंद्र जडेजा ने लाजवाब बल्लेबाजी की, उन्होंने भी 8 शतक ठोका और इसके अलावा 7वें विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की है, करीब 10 रन के औसत से, 9.27 के औसत से 7वें विकेट के लिए टीम इंडिया की ये दोनों खिलाड़ियों ने, रविंद्र जडेजा जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लाजवाब बल्लेबाजी की है आज। आज उन्होंने साबित किया कि जिस वजह से उनको टीम में रखा जाता है वो काम वो करने में सक्षम है और साबित किया अपने आप को, क्योंकि रविंद्र जडेजा पे कई सवाल उठ रहे थे कि ये टीम में कर क्या रहे हैं, गेंदबाज हैं या बल्लेबाज। और आज 7वें विकेट के लिए पहले 85 रनों की साझेदारी और उसके बाद टीम को आखिर तक लेकर गए हैं। भले ही टीम इंडिया के खाते में ये जीत नहीं आई, ये मैच भले ही टाई हो गया है, लेकिन टीम इंडिया खुशियां मना सकता है क्योंकि 2014 में अब ये पहला मैच है जिसमें टीम इंडिया हारी नहीं है। जी हाँ, वनडे में एक भी मैच भारत 2014 इस साल जीती नहीं थी, पहला मैच है जिसमें टीम इंडिया हारी नहीं, जीती भी नहीं, मैच टाई हो गया है। सीरीज अब भी 2-0 से न्यूजीलैंड के नाम है और 2 मैचेस अभी भी इसमें खेले जाने बाकी है। और वरुण एरन इनके साथ थे, काफी हिम्मत और टेम्परामेंट यहां पर दिखाया।